एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलस विद आईजे। हम सीरीज ऑफ फाइव कर रहे हैं जिसमें हर एक वीडियो में हम फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं। इफ यू कीप ऑन फॉलोइंग दीज वीडियोस तो आई अश्योर यू दैट यू विल गेट 100% मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। तो यहाँ पे आज हम करेंगे रिलेशन फंक्शन चैप्टर में से इक्विवेलेंस क्लास निकालने वाले क्वेश्चन। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम होती है इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालनी है, तो मैं पांच क्वेश्चंस आज लाई हूँ जिसमें हम इक्विवेलेंस क्लास निकालना सीखेंगे। सो दिस विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन ऑलरेडी गिवन है। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। ऑन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स, तो हमें बहुत ध्यान देना है कि हमारा जो आर रिलेशन गिवन है वो कौन से सेट पे गिवन है। इंटीजर्स के सेट पे गिवन है। गिवन बाय आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट टू डिवाइड्स ए माइनस बी। हमें निकालनी है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो। तो रिलेशन में हमेशा ऑर्डर्ड पेयर है, दो एलिमेंट्स होते हैं। दो एलिमेंट्स में रिलेशन क्या गिवन है कि टू डिवाइड्स ए माइनस बी, मतलब उन दोनों में से जब फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो वो टू से डिविजिबल है। टू डिवाइड्स ए माइनस बी या ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय टू, इसका मतलब सेम होता है। अब ये जो सेट है वो इंटीजर्स का सेट है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो निकालनी है, मतलब हमें सेट ऑफ सारे एलिमेंट्स निकालने हैं विच आर रिलेटेड टू जीरो। तो जो भी रिलेशन गिवन होता है, क्योंकि हमें जीरो की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, तो उसमें से ए बी में से एक एलिमेंट को जीरो ले लिया करो, जिसकी भी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी हो वो ले लिया करो, और दूसरा एलिमेंट हमें फाइंड करना है। इसका मतलब ये होता है इक्विवेलेंस क्लास का। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, लेट ए बी रिलेटेड टू जीरो, तो टू डिवाइड्स ए माइनस जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स टू डिवाइड्स ए, क्योंकि ए माइनस जीरो इज ए ओनली, तो टू डिवाइड्स ए हो जाएगा। अब ए जो है वो कौन से सेट में से है, इंटीजर्स के सेट में से है। इंटीजर्स में क्या आता है, जीरो आता है और सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आते हैं, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर एंड जीरो भी आएगा। अब टू डिवाइड ए मतलब ए जो है वो टू से डिविजिबल होना चाहिए, तो ए को हम क्या लेंगे, वो सारे नंबर्स लेंगे जो टू से डिविजिबल है, मतलब इवन नंबर्स लेंगे प्लस उसमें जीरो भी आएगा। तो टू डिवाइड ए मतलब ए जो होगा वो होगा जीरो प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स एंड सो ऑन। तो ये जो जीरो की इक्विवेलेंस क्लास है, ऐसे जब एलिमेंट है ना जिसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी हो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, और उसकी जो इक्विवेलेंस क्लास के एलिमेंट्स होते हैं उनको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो उसमें आएगा जीरो प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स एंड सो ऑन, क्योंकि इंटीजर्स का सेट है ना तो इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये ऐसे चलता जाएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन। आर इज द इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट 0 1 2 3 4 5। अब देखो सेट जो है, अगर इसमें ध्यान दो रिलेशन जो है वो सेम है जो पिछले क्वेश्चन में था, तो दोनों में फर्क क्या है। यहाँ पे भी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो निकालनी है। पिछले क्वेश्चन में था रिलेशन सेम था बट सेट जो है, और हमें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो निकालनी थी बट सेट जो था वो सेट ऑफ इंटीजर्स था। और इस क्वेश्चन में रिलेशन सेम है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो निकालनी है बट जो सेट है वो उसमें पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, होल नंबर्स हैं, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, सिर्फ छह एलिमेंट्स हैं। मतलब हमारे जो इक्विवेलेंस क्लास के एलिमेंट्स आएंगे वो इसी में से आएंगे। तो लेट जो ए बी रिलेटेड टू जीरो, तो उसी वे में हम ले लेते हैं जो भी ऑर्डर्ड पेयर गिवन होता है। तो जीरो की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो उस ऑर्डर्ड पेयर में से एक एलिमेंट को जीरो ले लेंगे और दूसरा एलिमेंट हमने ए अज्यूम कर लिया, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है। वो जो ए की वैल्यूज होगी वो हमारी इक्विवेलेंस क्लास होगी जीरो की। दैट मीन्स टू डिवाइड्स ए माइनस जीरो, टू डिवाइड्स ए माइनस जीरो मतलब टू डिवाइड्स
ए हो जाएगा, मतलब ए इज डिविजिबल बाय टू. तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो जो आएगी वो आएगी जीरो टू फोर, क्योंकि जीरो जो होता है जीरो इज डिविजिबल बाय टू, टू इज डिविजिबल बाय टू, फोर इज डिविजिबल बाय टू. बाकी जो है वन डिविजिबल बाय टू नहीं होगा, क्योंकि वन अपॉन टू तो फ्रैक्शन में आता है, थ्री अपॉन टू, फाइव अपॉन टू, ये सारे फ्रैक्शन में आते हैं. तो ये होगी इसकी इक्विवेलेंस क्लास. नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, आर इज ए रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन, कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है, ए बी इज रिलेटेड टू सी बी. जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन होता है तो हम एलिमेंट्स नहीं अज्यूम करते, हम ऑर्डर्ड पेयर्स अज्यूम करते हैं. इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स में रिलेशन क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी सी. तो रिलेशन इसमें एक बार ना थोड़ा सोच लिया करो, ए डी मतलब जो एक्सट्रीम वाले एलिमेंट्स है उनका प्रोडक्ट जो है मीन वाले एलिमेंट्स के इक्वल है, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा. फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू एन क्रॉस एन फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू सिक्स. अब देखो दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में रिलेटेड है और उनके बीच में क्या रिलेशन है वो गिवन है. तो जब हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालनी हो तो उन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स में से एक को ये वाला ले लिया करो जिसकी हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, और दूसरे को अज्यूम कर लिया करो क्या होगा. जैसे ए बी होगा तो ए बी की वैल्यू निकालनी है, बेसिकली वो उसकी इक्विवेलेंस क्लास होती है. तो लेट ए बी बी रिलेटेड टू टू कॉमा सिक्स. तो ए बी आर टू सिक्स जो होगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए डी मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो एक्सट्रीम टर्म्स है सिक्स ए इज इक्वल टू बीच वाली टर्म्स का प्रोडक्ट टू बी. तो इससे बी आ जाएगा थ्री ए. दैट मीन्स बेसिकली जो हमने ए बी अज्यूम किया था उसमें हर एक बी की जगह होगा थ्री ए, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका थ्री टाइम्स होगा. अब देखो हम एलिमेंट्स कहाँ से चूज कर सकते हैं, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स गिवन है तो नेचुरल नंबर से ही चूज करेंगे. तो इसके टू सिक्स की इक्विवेलेंस क्लास जो होगी, इक्विवेलेंस क्लास जिसकी भी निकालनी है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, और उसके इक्विवेलेंस क्लास के एलिमेंट्स को लिखना है कर्ली ब्रैकेट में. तो इसकी जो इक्विवेलेंस क्लास होगी उसमें जब हम फर्स्ट नेचुरल नंबर तो वन से स्टार्ट करेंगे, तो वन कॉमा थ्री हो जाएगा, थ्री ए लेना है ना, तो दूसरा हो जाएगा टू कॉमा थ्री इंटू टू इज सिक्स, फिर हो जाएगा थ्री कॉमा थ्री इंटू थ्री इज नाइन, फिर हो जाएगा फोर कॉमा फोर इंटू थ्री इज ट्वेल्व एंड सो ऑन. क्योंकि नेचुरल नंबर्स है ना तो इन्फिनिटी तक जाएंगे. तो ये आ गई टू सिक्स की इक्विवेलेंस क्लास. तो इसमें ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो इस फॉर्म के हैं. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सेट ए गिवन है, वन टू नाइन नेचुरल नंबर्स हैं, एंड आर इज द रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए डिफाइंड बाय ए बी आर सी बी, मतलब ए बी एंड सी बी दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में रिलेटेड है. इफ ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो इसमें भी ऐसे ही है, जो एक्सट्रीम वाले एलिमेंट्स हैं उनका सम इज इक्वल टू जो मीन वाले एलिमेंट्स हैं उनके सम के इक्वल है. फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंगिंग टू ए क्रॉस ए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू फाइव निकालनी है. तो जो हमें निकालनी है उसको हम अज्यूम कर लेंगे, लेट ए बी बी रिलेटेड टू टू कॉमा फाइव. तो ए बी आर सी डी का जो रिलेशन होगा, सी डी की जगह टू फाइव आ जाएगा. जरूरी नहीं है कि हम सी डी की जगह टू फाइव लेना है, हम ए बी की जगह टू फाइव लेके इसकी जगह ए बी ले सकते हैं. तो दिस मीन्स कैसे रिलेटेड है, फर्स्ट और लास्ट का सम ए प्लस फाइव, तो ऐसे है ना ए प्लस डी फर्स्ट एंड लास्ट का सम इज इक्वल टू बीच वाली टर्म्स का सम इज इक्वल टू बी प्लस टू हो जाएगा. तो a प्लस फाइव माइनस टू इस साइड ले जाओ, थ्री इज इक्वल टू b. तो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी था तो इसमें हर एक b की जगह आ जाएगा a प्लस थ्री, मतलब जो हम एलिमेंट a लेते हैं तो सेकेंड एलिमेंट उसमें प्लस थ्री करके लेंगे. तो ये जो टू फाइव की इक्विवेलेंस क्लास होगी
उसमें ordered pairs आएंगे, तो जब भी equivalence class जिसके निकालनी है उसको square bracket में लिखना है और उसके answer को curly bracket में। तो A जो है किसमें से लेंगे, obviously इस set में से लेंगे। सबसे पहले 1 है, 1 से ही start करते हैं। 1 plus 3 is 4, then 2 लेंगे, 2 plus 3 is 5, then 3 लेंगे, 3 plus 3 is 6, then 4 लेंगे, 4 plus 3 is 7, then 5 लेंगे, 5 plus 3 is 8, अगर हम 6 लेते हैं तो 6 plus 3 is 9, क्या हम 7 ले सकते हैं, क्योंकि 7 हो जाएगा, 7 plus 3 10 हो जाएगा, but 10 तो हमारे सेट में है नहीं, तो हम 7 10 नहीं ले सकते। That means हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordered pairs आ रहे हैं जो कि इसकी equivalence class में होंगे according to given set and given relation. Next is question number 5. R is the set relation on set n cross n defined by A, B, R, C, D if and only if A plus D is equal to B plus C. For all A, B, C, D belonging to n cross n, find 2, 3. इसमें और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क है, सेम रिलेशन गिवन है, इक्विवेलेंस क्लास हमें किसी ऑर्डर्ड पेयर की निकालनी है, बट इसमें सेट में लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे और इस क्वेश्चन में जो हमारा सेट है उसमें क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। तो लेट ए बी बी रिलेटेड टू 2, 3, तो ए बी आर 2, 3 जो होगा वो होगा कैसे डिफाइंड है, फर्स्ट प्लस लास्ट इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो ए प्लस 3 इज इक्वल टू बी प्लस 2। 2 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो ए प्लस 3 माइनस 2 इज 1 इज इक्वल टू बी। बेसिकली हमारा जो ए बी था वो हो गया ए कॉमा ए प्लस 1। तो इसके जो 2, 3 के रिलेटेड एलिमेंट्स जो होंगे वो होंगे, इनको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि नेचुरल नंबर्स के लिए ना तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 प्लस 1 इज 2, फिर नेक्स्ट 2 लेंगे, 2 प्लस 1 इज 3, नेक्स्ट 3 लेंगे, 3 प्लस 1 इज 4, देन 4, 5, 5, 6 एंड सो ऑन। क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स है ना तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास में इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, तो ये आ गई इसकी इक्विवेलेंस क्लास। तो मैंने जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल केसेस लेके इक्विवेलेंस क्लास के क्वेश्चंस कवर करवाए हैं और इक्विवेलेंस क्लास के क्वेश्चंस हैं, एक तो जब ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे भी आ सकता है कि गिवन रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करो फिर उसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालो, या फिर इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन एज इट इज 2 मार्कर भी आ सकता है या फिर एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन करने के बाद सबको इक्विवेलेंस क्लास बिल्कुल क्लियर होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आई मेक अ वीडियो ऑन सम पर्टिकुलर टॉपिक जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन या फिर क्लास 12th का मैथ्स का कोई भी टॉपिक, तो कमेंट्स में लिखना, सो आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक ओनली। तो कीप ऑन फॉलोइंग द सीरीज, दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू, एंड इफ यू लाइक द वे आई एम टीचिंग देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।